पाठ एक भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार बताते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या पसंद है? मुझे आइसक्रीम पसंद है। भाषा के भेद काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर अपने विचार बताना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा लिखकर अपने विचार बताना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। मुख्य बातें मन की बातों को समझना, मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा का भाषा है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा लिखित भाषा। लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। सही विकल्प का निशान लगाइए। बोलकर अपनी बात समझाना भाषा का रूप है। तो बच्चों इसको बताना है कि मौखिक रूप है कि लिखित रूप है। ये क्या है? मौखिक। पत्र लिखना भाषा का रूप है। ये क्या है? मौखिक है कि लिखित रूप है।